तो दोस्तों अभी हमारे पीछे जो ट्रेन आई है, इस ट्रेन में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी आए, तो देखते हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष इस रत्नागिरी शहर में किस लिए आए, क्यों यहाँ कांग्रेस के लोगों की भीड़ है, क्या मुख्य कारण है, क्या इनके पास कोई मुद्दा है या सिर्फ हंगामे के लिए आए, तो देखते हैं पूछते हैं यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो आए हुए वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ है कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटेले जी। नाना जी आपका रत्नागिरी में स्वागत है। आप रत्नागिरी में किसी मुद्दे के लिए आए? आज ओबीसी का सम्मेलन है यहाँ पर, हमारी ओबीसी कांग्रेस सेल की ओर से बड़ा एक सम्मेलन रखा गया है। ओके। उनके प्रॉब्लम्स और उनको मार्गदर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जी। बाद 2021 का सेंसस आया था, 2022 से अभी तो फिलहाल देखो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की, अच्छा मांगे जा वो सरकार ही ओबीसी विरोधी है जी, और हर जगह राजनीति करना जी यही उनका धर्म रहा है। आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 2017 में जी नागपुर की जिला परिषद उस समय इलेक्शन नहीं लगना चाहिए उसके लिए ओबीसी का आधार लिया जी, और उसके आधार पर इलेक्शन नागपुर जिला परिषद के कैंसिल किए जी। वही प्रकरण हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया जी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए जी कि ओबीसी का डाटा आप बताइए जी, केंद्र सरकार के पास डाटा रहने के बाद भी जी केंद्र सरकार ने राजनीति की जी, और राजनीति के आधार पर जी ओबीसी के आरक्षण के इसमें जी उन्हें डाटा न देने की वजह से प्रॉब्लम खड़े हुए, उनका परिणाम राजकीय और सामाजिक ओबीसी समाज पर गुजरा। तो बीजेपी की केंद्र की सरकार ये हमेशा ओबीसी के विरोध में रही है जी, उसके कई उदाहरण आपको बता सकते हैं। नाना जी वो डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आप बताइए क्या ये कांग्रेस का फाइव स्टार कल्चर है ट्रेन से आना, क्योंकि ये हमेशा आरोप लगता आ रहा है ना। नहीं ट्रेन से आना अच्छी बात, इसे और क्या होता है जी, हम हेलीकॉप्टर से तो आए नहीं ट्रेन से। तो क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस का ये फाइव स्टार कल्चर है, यहाँ तो भीड़ में खड़े कार्यकर्ता है, आप खुद अध्यक्ष होकर ट्रेन से आ रहे, यानी डेफिनेटली फाइव स्टार कल्चर नहीं है ये, तो बदलाव कब आया, आप जब अध्यक्ष बने उसके बाद या आप थोड़ा इंतजार किए? हम जमीन के लोग हैं जी, और मैं मूल तो किसान हूँ जी, और किसान ये हमेशा जमीन पर रहता है जी, और उसको सबके दुख दर्द की चिंता होती है। नाना जी हम आपसे डिटेल में चर्चा रेस्ट हाउस पे करेंगे बिल्कुल।